दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ ऐसे स्थानों के बारे में जहां जाने की परमिशन आपको नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जो अपने इतिहास की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। दोस्तों हमारे भारत के किसी भी जिले में चले जाओ, वहां कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसे देखने पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो दोस्तों हमारे देश में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां आप नहीं जा सकते, तो चलिए जानते हैं इन खतरनाक और रहस्यमय जगहों के बारे में। नंबर 1, टनल नंबर 33 शिमला। दोस्तों शिमला तो आप जरूर गए होंगे, पर क्या आपने टनल नंबर 33 के बारे में सुना है? शिमला जाते वक्त बहुत सारे टनल आते हैं, उन्हीं में से एक है बड़ोग की ये टनल जिसका नंबर है 33। ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक अंग्रेज इंजीनियर की आत्मा घूमती है। कर्नल बड़ोग को अंग्रेजों के समय इस टनल को बनवाने का काम दिया गया था और कर्नल बड़ोग इसे ठीक से बनवा नहीं पाए और उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी, और तब से यहाँ कर्नल बड़ोग की आत्मा भटकती हुई देखी जाती रही है। दोस्तों अगर शिमला जा रहे हो तो इस जगह जरूर जाना और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना मत भूलना। नंबर 2, डो हिल वेस्ट बंगाल। दोस्तों वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग को हम उसकी खूबसूरती के लिए जानते हैं, पर यहाँ की एक छोटी सी हिल उसके रहस्यों के लिए जानी जाती है। यहाँ आए दिन कई एक्सीडेंट और मौत होती रहती हैं, जिसकी वजह से लोगों के बीच इस जगह का डर और भी बढ़ गया है। यहाँ तक तो ठीक था, पर कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने यहाँ एक बिना सर का लड़का भी देखा है जो कि लोगों का पीछा करता है। नंबर 3, जीपी ब्लॉक मेरठ। दोस्तों जीपी ब्लॉक भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ एक अंग्रेज दरोगा की आत्मा भटकती है, और कुछ लोगों ने तो एक साड़ी पहनी औरत की आत्मा को भी देखा है। अब असलियत में यहाँ क्या है ये तो कोई नहीं जानता, पर हम आपको यहाँ जाने की सलाह तो बिल्कुल नहीं देंगे। नंबर 4, फ्री कसोल कैफे। दोस्तों आपको कैसा लगेगा जब आपको आपके देश की किसी जगह पर जाने पर रोक हो और आपको छोड़कर बाकी सारे लोग वहां जा सके? हिमाचल के कसोल में फ्री कसोल कैफे नाम के इस कैफे में भारतीयों को नहीं आने दिया जाता। यहां बस इजरायली या और दूसरे देश के लोगों को ही आने दिया जाता है। दोस्तों आई होप सो गवर्नमेंट इस कैफे को जल्द ही बंद करवा देगी। नंबर 5, मुकेश मिल मुंबई। दोस्तों मुकेश मिल एक ऐसी जगह है जहां आप जाने की सोच रहे हैं तो एक बार फिर से सोच लें, क्योंकि ये मिल अब खंडर हो गई है। इसके इतिहास के बारे में बताया जाता है कि इसे 1852 में बनवाया गया था और इसमें कपड़े बनाए जाते थे, और 1970 में इस मिल में आग लग गई थी, लेकिन कुछ समय बाद इसमें कपड़े बनने का काम फिर से शुरू किया गया और इसके कुछ सालों बाद इसमें फिर से आग लग गई और ये पूरी मिल जल गई। अब ऐसा माना जाता है कि ये मिल भूतों का एक डेरा है और बहुत से लोगों ने तो यहाँ आत्माएं देखी भी हैं। नंबर 6, निधिवन निकुंज वृंदावन। दोस्तों वृंदावन वो जगह है जहाँ कृष्ण जी ने अपना बचपन बिताया था, और यहाँ का निधिवन अपने अंदर बहुत से रहस्य छुपाए हुए है। इस निधिवन में हजारों पेड़ पौधे हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ से रात को आने वाली आवाजों से पता चलता है कि यहाँ जरूर कुछ ऐसा होता है जो इस दुनिया के परे है, जैसे असुरों से कृष्ण जी का युद्ध और राधा और गोपियों के साथ रासलीला। इन्हीं वजह से रात को निधिवन में किसी को भी रुकने की परमिशन नहीं है। दोस्तों जिस किसी ने भी यहाँ रात को चोरी छुपे रुककर रासलीला देखने की कोशिश की है, या तो उसकी मौत हो जाती है, या फिर वो अंधा हो जाता है, या वो पागल हो जाता है। नंबर 7, कुलधरा राजस्थान। दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर का कुलधरा गांव पिछले 170 सालों से सुनसान है और अभी ये खंडरों में बदल गया है। यहाँ के गाँव वाले एक ही रात में गाँव को खाली कर चले गए थे। माना जाता है उन्होंने इस जगह को ये श्राप दिया था कि ये गांव कभी बस नहीं पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि वो लोग इस जगह को छोड़कर क्यों गए थे।
तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और आप इनमें से किसी भी जगह के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।